पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम का नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद। उवैस नामी नौजवान अपनी बीवी के साथ ग्राउंड में बातचीत कर रहा था कि तलबा तंजीम ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज लाहौर न्यूज पर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वाकई का नोटिस ले लिया। वाइस चांसलर को फौरी कार्रवाई करने की हदायत। परवेज इलाही शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का स्पीकर की जानिबदारी कौम के सामने लाने का ऐलान। कहा इमरान खान जाली वजीर आजम धांधली की पैदावार है। बताएं एनआरओ कौन मांग रहा है। एहतसाब तो वो करता है जिसका दामन साफ हो। गिरफ्तारियों से ना डराएं, अवाम और महंगाई को कंट्रोल करें। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की हमजा शहबाज पर कड़ी तनकीद। बोले हमजा शहबाज बच्चा है, जिद करता है तो जिद करने दें। सीनियर अरकान असेंबली में आए। स्पीकर और वजीर आला के इंतखाब में हंगामा आराई की गई। चौथी बार हंगामा आराई और तशद्दुद करने पर लीगी अरकान को मुअत्तल किया। अपोजिशन के बगैर पंजाब असेंबली ने बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन के बायकॉट के बायस कटौती की कोई तहरीक पेश न हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उस्मान बुजदार का कहना है कि तब्दीली सबको नजर आएगी। हुकूमत अवाम की तवक्कोआत पर पूरा उतरेगी। बजट अल्फाज की जादूगरी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। एसोसिएशन को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। कोई कंटेनर पर चढ़े या खंबे पर, सबका एहतसाब होगा। ऑपोजिशन का नहीं बाप बेटा एसोसिएशन का एहतजाज है। मेरी नसीहत पर हमजा शहबाज 4 बजे के बजाय 3 बजे असेंबली आने लगे। सूबाई वजीर इतलात फयाजुल हसन चौहान की ऑपोजिशन पर तनकीद। बोले मौलाना फजलुर रहमान लुटमार एसोसिएशन के कन्वीनियर हैं। हाईकोर्ट से 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर होने का मामला। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अदालत में 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा करा दिए। हाईकोर्ट में मॉल रोड पर तजावजात को खत्म करने और तारीखी इमारतों की बहाली का केस। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने 24 घंटे में मॉल रोड पर दुकानों के आगे से तजावजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। पैसे कमाए कोई, काम करे कोई। शहर की अहम मॉडल शाहराओं पर मलबे के पहाड़ लग गए। 28 मकामात पर 20,000 टन तामीराती मलबा मौजूद होने का इंकशाफ। सफाई कंपनी ने हाथ उठा लिया। मलबा कूड़े के जुमरे में नहीं आता, मलबा उठवाना है तो पैसे दे दिए जाएं। एमडी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सीनियर वजीर बल्दियात को रिपोर्ट भिजवा दी। सरकार ये राजी कब्जा माफिया से वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी। गुरुमागट नोहाबाद में 18 कनाल सरकारी जमीन वागुजार। भारी मशीनरी से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर में 17 अरब रुपए मालियत की सरकारी राजी वागुजार करा ली। कमिश्नर लाहौर की रिपोर्ट जारी। सब्जाजार में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर खावन ने बीवी को मुबैना तौर पर जहर का टीका लगाकर कत्ल कर दिया। मकतूला कशफ मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी कि खावन से झगड़ा हो गया। लवाहिकीन पुलिस ने मकतूला के वालिद मुख्तार की मुदायत में 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिना अस्पताल से बच्ची के अगवा का मामला। थाना गार्डन टाउन में बच्ची के वालिद की मुदैयत में नामालूम निकाबपोश खातून के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज। 12 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस बच्ची का सुराग ना लगा सकी। सरगोधा यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस से मुतालिक केस। साबिक वाइस चांसलर मोहम्मद अकरम समेत 6 मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 8 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। हेलमेट के बदले दस्तार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। इंसान की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। हेलमेट के इस्तेमाल से सर पर चोटें लगने के वाकयात में कमी आई। अदालत के रिमार्क्स।
गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड में कंप्यूटर लैब की इफ्तिताही तकरीब। वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने कहा कि कौमें तालीम से ही आगे जाती हैं। हेलमेट पहने सीटीओ हैवी बाइक पर। चीफ ट्रैफिक पुलिस की क़यादत में मॉल रोड पर हैवी बाइक रैली। हेलमेट के इस्तेमाल से हेड इंजरी के वाकयात में वाज़े कमी आई। सीटीओ लियाकत अली मलिक। और गुलकारा राबी पीरजादा ने नए गाने का टीजर जारी कर दिया। गाना 27 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। गुलकारा राबी पीरजादा ने गाने के बोल भी खुद लिखे।